चलिए आज पढ़ेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। व्हाट इज पीएच वैल्यू, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो किसी कोई भी हाइड्रोजन आयन रहेगा है ना, या कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है वही उसका क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू कहलाता है। लाइक सपोज दिस इज सॉल्यूशन ऑफ HCl है ना, HCl तो थ्रू आउट इस सॉल्यूशन पे हाइड्रोजन आयन, दिस मींस HCl मींस आपको क्या H प्लस और Cl माइनस, तो ये हाइड्रोजन आयन हुआ और ये आपका क्लोरीन आयन हुआ। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितने, दैट इज कॉल्ड पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहली बार किसने बताया सर इसको, पीएच वैल्यू गिवन बाय सोरेनसन, ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है सोरेनसन है, उन्होंने क्या दिया था पीएच वैल्यू के बारे में दिया था। व्हाट इज पीएच वैल्यू, निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो किसी भी हाइड्रोजन आयन का जो निगेटिव लॉगरिथमिक रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीएच वैल्यू बोलेंगे। अगर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी केमिकल का, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन पे, उस केमिकल पे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उसके कॉन्सेंट्रेशन का आप क्या निकालेंगे, निगेटिव लॉगरिथमिक निकालेंगे, उससे उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, डिसाइड होगा। तो पीएच वैल्यू कहने का मतलब आपका हम बात करेंगे एसिड और बेस पे, तो एसिड और बेस पे लेस देन सेवन, सेवन से डिसाइड होगा, तो लेस देन सेवन आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक, और ग्रेटर देन सेवन आपका क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, जो कहाँ तक चलेगा अप टू 14, ठीक है। तो जितना 14 के क्लोज आएगा, जितना 14 के क्लोज आएगा मतलब 7 से जितना दूर रहेगा इन केस ऑफ बेस, तो उतना ही वो क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। अब किसी भी एसिड और बेस के बारे में बात करेंगे तो ये फिर से दो टाइप के होंगे, या तो स्ट्रांग होंगे या तो वीक होगा, या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। तो स्ट्रांग बेस का पीएच वैल्यू क्या होगा, क्लोज टू 14, ठीक, और वीक बेस का जो पीएच वैल्यू होगा क्लोज टू 7, ठीक। वैसे वीक एसिड जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज टू 7 हो जाएगा वीक का, और स्ट्रॉन्ग जो रहेगा वो 0 और 1 के क्लोज रहेगा। क्लियर है, क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ N/10 HCl, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ N/10 HCl। N/10 का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉर्मलिटी से है, नॉर्मलता से है, तो ये जो HCl सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी कितनी है, N/10 है, N/10 मींस 1/10 N, जैसे हम लोग मोलारिटी, मोलारिटी ये पढ़ते हैं 11th 12th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं मोलारिटी और मोलारिटी, तो मोलारिटी को कैपिटल एन से, मोलारिटी को स्मॉल एन से, वैसे नॉर्मलिटी को आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी है यहाँ पर इसकी, 1/10, 1/10 का मतलब 10^-1, 1/10 मीन्स 10 को ऊपर लेकर के जाएंगे, तो मैथमेटिक्स में पढ़े 10^1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10^-1, दैट मीन्स ये जो HCl है इस HCl का नॉर्मेलिटी मतलब कितना दिया है 10^-1, तो ये जो नॉर्मेलिटी दिया है वही इसका क्या है, स्ट्रेंथ, इस सॉल्यूशन का, इस HCl का क्या है, स्ट्रेंथ है, मतलब वही उसका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो H प्लस का जो वैल्यू हुआ वो क्या हुआ, 10^-1, मतलब जो नॉर्मेलिटी में दिया रहे वही हाइड्रोजन आयन। तो 1/10 N कहने का मतलब ये है कि 10^-1 है, 10^-N का मतलब यही है कि ये H प्लस का वैल्यू, ठीक है। और अभी हम लोगों को पता है कि pH ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10^-1, ठीक है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला आपका, लॉग वाला, लॉग एक्स पावर एम,
इज इक्वल टू हो जाता है आपका एम लॉग एक्स, एट्थ या नाइन्थ क्लास में ये पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, लॉग एक्स और एम इज इक्वल टू एम लॉग एक्स, पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो माइनस वन है वो पहले आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है नहीं, यहाँ पर हो गया माइनस वन, फिर ये हो जाएगा आपका लॉग टेन, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया वन हो गया, वन इंटू लॉग टेन का वैल्यू कितना होता है वन, लॉग टेन का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ पर ये वन रखे तो यहाँ पर इसका जो पी एच वैल्यू है, पी एच वैल्यू है वो कितना आ गया आपका वन, तो एम बाई टेन नॉर्मेलिटी का जो अगर कोई सॉल्यूशन गिवन है आपको तो उसका पी एच वैल्यू कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, क्लियर है। कैलकुलेट पी एच वैल्यू ऑफ एन बाई हंड्रेड एच टू एस ओ फोर, कैलकुलेट द पी एच वैल्यू ऑफ एन बाई टेन एच टू एस ओ फोर, एच टू एस ओ फोर है इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है एन बाई हंड्रेड, दैट मीन्स आपका नॉर्मेलिटी मतलब आपका एच जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन हंड्रेड, मीन्स एच प्लस का जो वैल्यू हुआ वो टेन टू द पावर माइनस टू, ठीक, देन पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग टेन टू द पावर माइनस टू, देन पी एच इज इक्वल टू माइनस टू सामने आएगा, माइनस टू सामने हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू लॉग टेन हो गया, ठीक, देन पी एच इज इक्वल टू क्या हो गया लॉग टेन का वैल्यू होता है वन, तो टू इंटू वन, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट द पी एच वैल्यू ऑफ एन बाई थाउजेंड एन ए ओ एच, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द पी एच वैल्यू ऑफ एन बाई थाउजेंड एन ए ओ एच, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, इसका जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट इज एन बाई टेन, मीन्स एच प्लस का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वन बाई थाउजेंड, मीन्स एच प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा थाउजेंड ऊपर लेकर के जाएंगे तो टेन टू द पावर माइनस थ्री हो गया, देन पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस लॉग टेन टू द पावर माइनस थ्री, देन पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस थ्री सामने आ जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी आपका माइनस है ही, ये हो जाएगा प्लस थ्री लॉग टेन हो गया, देन पी एच इज इक्वल टू थ्री इंटू वन, देन पी एच इज इक्वल टू थ्री, आपके ऑप्शन में थ्री दिए रहेंगे, ट्वेल्व दिए रहेंगे, इलेवन दिए रहेंगे, कुछ भी दिए रहेंगे, ठीक है, लेकिन पी एच वैल्यू अगर आप इसका थ्री बोलते हो तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, है ना, इट इज रॉन्ग। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो एन ए ओ एच है और जिसके लास्ट में ओ एच रहता है वो क्या होता है आपका बेस होता है, बेस, समझ में, तो यहाँ पर जो एन ए ओ एच का वो क्या है आपका बेस है, एन ए ओ एच क्या है बेस, तो बेस होने के कारण इसका जो पी एच वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन सेवन होगा, ठीक है, तो एक और हमको फार्मूला पता होना चाहिए, एक्चुअल पे ना जो अब हमारा एसिड होता है और बेस होता है दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 14, एसिड और बेस के टेबल पे हम देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 14, वो एसिड का और बेस को मिला करके होता है, दैट मीन्स पी pH plus pOH is equal to 14, एसिड का वैल्यू और बेस का वैल्यू दोनों का पोटेंशियल जो होता है वो टोटल मिलाकर के क्या होता है 14 होता है, तो pH plus pOH is equal to क्या होगा 14 होगा, तो बेसिकली हम एसिड के लिए निकालते हैं उसको pH पढ़ेंगे, बेस के लिए निकालते हैं वो क्या होता है आपका pOH होता है, मतलब एसिड के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं pH और बेस के लिए क्या कैलकुलेट करते हो पी ओ एच, है ना,
पर एक्चुअल में चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो हम उसको क्या बोल देते हैं, पीएच ही बोल देते हैं, पर एक्चुअल में वो क्या है, क्या पीएच और पीओ। तो अभी आपके क्वेश्चन पे आपने जब पीएच निकाला तो उसका वैल्यू कितना आया था, 3। पीएच जो होता है वो एसिड का होता है, तो अगर एसिड होता तो वो 3 होता, लेकिन वो क्या था, बेस था। तो यहाँ पर पीएच का वैल्यू आया 3 प्लस पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। मीन्स पीओएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3 11। तो आपका जो इसको भी आप पीएच ही बोलेंगे, रीड करने के लिए आप पीएच ही बोलेंगे, वो भी क्या बोलना है, पीएच वैल्यू है बेस का, और वो भी पीएच वैल्यू है एसिड का, लेकिन एसिड के टर्म में पीएच, बेस के टर्म में पीओएच, लेकिन है दोनों क्या, पीएच। तो जब बेस बोलेगा तो आपको पीओएच का वैल्यू निकालना है, पीएच का वैल्यू नहीं निकालना है। पर एक्चुअल जो फार्मूला होता है ये वाला, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ऐसे करेंगे तो ये क्या रहता है, पीएच रहता है, पीओएच नहीं रहता। तो यहाँ से पीएच निकालेंगे, बेस है तो 14 से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ एन बाई 20 एनएओएच, एन बाई 20 का कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे एन बाई 20 का, तो यहां पर भी हम देखेंगे तो एच प्लस का वैल्यू कितना हो गया, 1/20 हो गया। कैलकुलेट कर लो, इसको 10 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 10 के टर्म में क्या लिखेंगे, 1/2 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, 0.05 ये लिख सकते हैं ना मैथमेटिक्स में, 1/20 मीन 0.05 हो जाएगा ना, 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, 5 × 1 = 5, 5 × 20, तो 1/20 मीन्स 5/100 मीन्स आपका 0.05 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10^2 लिख सकते हैं, और वापस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 10^-2। तो यहां पर जो एच का वैल्यू हुआ वो कितना हो गया आपका, एच का वैल्यू जो हो गया, अब यहां से हम पीएच का वैल्यू निकालें तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस, तो एच प्लस का जो वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा आपका, 5 × 10^-2। log m into n, log m plus log n, अगर log के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उन दोनों का log का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका माइनस लॉग 5 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, एक जो हो जाएगा आपका प्लस, फिर से आपका ये माइनस लॉग, और आपका 10^-2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग 5, और ये हो जाएगा आपका ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 log 10।
लॉग फाइव का वैल्यू, ये देखेंगे लॉग फाइव का वैल्यू आपको क्वेश्चन में आपको गिवन रहे, जब एक क्वेश्चन देगा तो कुछ वैल्यू रहता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2 × 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 और लॉग फाइव का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.5 के समथिंग आएगा, है ना। लॉग टू का वैल्यू 0.3010 रहता है, फिर लॉग इसका कुछ वैल्यू आएगा 0.577 के आसपास आएगा, तो आपका ये माइनस में रहेगा 0.5 समथिंग आएगा, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1. जो भी वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन पे आपको लॉग 2 के वैल्यू, लॉग 3 के वैल्यू, लॉग 5 के वैल्यू, लॉग 6, 7, आपको जो भी क्वेश्चन आपसे देगा उसमें लॉग का टेबल आपको दिया जाएगा, बिना लॉग के क्वेश्चन के आपको ये नहीं रहेगा। तो बेसिकली लॉग 10 का वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं, लॉग 10 का वैल्यू नहीं देगा, लॉग 10 का वैल्यू आपको क्या रहेगा, हाँ पता होना चाहिए ऐसा है, तो लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन, चलो तो एसी और बेस में हो गया आपका। एक क्वेश्चन आपका एसी में बोल देगा, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 MSCl। इस बार क्या दिया रहेगा, मोलारिटी, अभी तक क्वेश्चन में दिया था नॉर्मेलिटी के टर्म, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के टर्म में आपने क्वेश्चन को बना लिया उसको, अभी दिया है मोलारिटी, मोलारिटी के बेसिस पे आपका पीएच वैल्यू इसका क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट पे है, मोलारिटी के रिस्पेक्ट में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप जो है एम को एन में कन्वर्ट करेंगे, एम को क्या करेंगे एन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मोलारिटी को हाँ इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, नॉर्मेलिटी में, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे कि जो भी आपको कंपाउंड गिवन है या जो भी सॉल्यूशन गिवन है, जैसे आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन पे, HCl गिवन है, तो HCl में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, सपोज यही H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता, तो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में दो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा जी, एम जो है एन माई टेन के रिस्पेक्ट में हमको बनाना है इसको, ठीक है, यहाँ पर 0.1 का मतलब क्या हो गया 1/10 m है, तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 1/10 m को मैं यहाँ पर वैल्यू क्या है एन में कन्वर्ट करना है मुझे, एक्चुअली में ये बताना चाहिए, क्वेश्चन आपको क्या गिवन था 0.1 m मोलारिटी, 0.1 मोलारिटी, तो 0.1 का मतलब क्या होगा 1/10, तो 1/10 मोलारिटी का HCl, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है 1/10 नॉर्मेलिटी का HCl का हम लोगों ने pH वैल्यू निकाला है, तो pH वैल्यू निकालने के लिए आपको नॉर्मेलिटी चाहिए 1/10 n दे, चाहे 1/100 दे n, या 2/10 n दे या 2/100 दे, मतलब कोई भी फ्रैक्शन दे वो किसके टर्म में होना चाहिए n के टर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो किसके टर्म में है n के टर्म में, तो उस n के टर्म को मोलारिटी के टर्म को हमको नॉर्मेलिटी के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है उसके रिस्पेक्ट में जितना भी हाइड्रोजन दिया रहेगा वो उसी रेशियो में आ जाएगा, समझ में, तो यहाँ पर 1/10 m इज इक्वल टू हो जाएगा कितने हाइड्रोजन है 1, तो 1/10 ही होगा, 1/10 m हो जाएगा, सपोज ये आपका H2SO4 रहता, क्या रहता HCl की जगह क्या रहता ये H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो कितना हो जाता 2/10 हो जाता, तो 1/10 m बोलो चाहे 1/10 n बोलो, HCl के लिए दोनों के लिए क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है, तो इसका भी आपका 1/10 निकल गया, और 1/10 का हमको पता है 1/10 का हमको क्या है
पता चल गया ना, 1/10 वाले में क्या निकालते थे, 10 टू द पावर क्या हो जाता था ये माइनस वन, और लॉग माइनस 10 वन करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस वन, तो माइनस वन सामने में आ जाएगा, तो वन लॉग 10, तो कितना हो गया ये 1 × 1 कितना हो गया 1। ठीक है, तो पीएच वैल्यू आपका इतनी स्मॉल आ रही थी, अभी पीएच वैल्यू भी कितना आ गया आपका 1 आ गया, लेकिन यही H2SO4 रहता तो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 1/20 m दिया है, इसको हमको m में कन्वर्ट करना है, m जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n, तो 1/20 कितना बनेगा इधर, ठीक है, तो 1/20 ही रहेगा आपका इनटू जितने हाइड्रोजन है उसका मल्टीप्लाई कर दो, कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब 2/20 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/10 m, मीन्स m बाई 20 सॉल्यूशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, m बाई 10 में कन्वर्ट हो गया, m बाई 20 सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, n बाई 10, और n बाई 10 का फिर से हमको पता है n बाई 10 रहता है तो कितना आ जाता है आपका 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 कहने का पर आप सीधा सीधा जब क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी आएगा, और आपको जल्दी से आप जज कर पाएंगे, अभी तक आपको पता नहीं रहता, अभी अब 3-4 क्वेश्चन आपने किया तो आपको पता चल गया 10 टू द पावर माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, अभी तक यही चल रहा है ना, 10 टू द पावर माइनस 1 आ रहा है तो कितना हो जा रहा है 1। ये देखो अभी किया 10 टू द पावर माइनस 1, माइनस लॉग ऑलरेडी लगा रहता है, माइनस इधर आता है 1 आता है, लॉग 10 बच गया, अगर यही 10 की पावर माइनस 2 आ जाता तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, आपको 10 का पावर देखना है पीएच के लिए, अगर 10 का पावर माइनस में होना चाहिए माइनस में ही रहेगा, अगर 10 का पावर माइनस 1 है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा 1, 10 का पावर 2 होगा तो माइनस 2 होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा 2, 10 का पावर 3 होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा 3, 4 होगा तो 4, ऐसे करते जाएंगे, लेकिन यही चीज उल्टा अगर बेस के साथ हुआ तो बेस के साथ होगा तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे ये बोल दिया 10 टू द पावर माइनस 1 NaOH आया था, तो 10 टू द पावर 1 मतलब क्या हो गया 1 होगा इसका पीएच वैल्यू, और 1 तो होता है एसिड का, लेकिन ये है बेस, तो बेस में 1 कर देंगे तो 14 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका 13 इसका क्या हो जाएगा वैल्यू है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो शुरू में नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही आपने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए, अब आपको जैसे ही आप इधर देखें 10 बाई 10 बोला तो आपको पता चल गया 10 बोला है मतलब कितना आएगा 1 आएगा, अगर 100 बोलेगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, 1000 बोल देगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कुछ नहीं फर्क किस में पड़ेगा, थोड़ा सा अगर इधर बोल दिया है एम की जगह आपको, हाँ 1000 की जगह आपको दे दिया है 2000, क्या दे दिया है, तो याद रखना ये 1000 का तो 1000 ठीक होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2000 को आप क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1000 लिख सकते हो ना, ये 1000 जो है वो ऊपर जाके तो क्या क्या हो जाएगा 1/2, और 1000 का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5, और 0.5 को फिर से क्या लिख सकते हो 5/10, और 10 फिर से ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 1, और इधर माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो ये 2000 भले यहाँ पर लिखा है लेकिन इसका वैल्यू क्या है 5 × 10 टू द पावर -4, अब माइनस लॉग लगता है तो एक माइनस लॉग 5 भी लगेगा और लॉग 10 भी लगेगा, तो लॉग 10 के साथ 4 है तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 4 तो होगा, लेकिन उसमें लॉग 5 का वैल्यू क्या होगा माइनस होगा, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि 5 से 4 से तो वैल्यू क्या आएगा
कम आएगा, और log 5 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको इसमें माइनस कर देंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे रहेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव में देखते ही आप बता दोगे इसका पीएच वैल्यू तो 4 से कम होना ही है, ठीक है, और 3 से भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि log 5 का जो वैल्यू होगा या कोई सा भी वैल्यू log 1 से लेकर के log 10 या log 9 तक जो वैल्यू रहेगा वो देखो log का जो वैल्यू रहेगा मिनिमम आपका किस में, 0 में, और मैक्सिमम कितना होगा आपका 1। log 0 से log 10 तक का वैल्यू, log 0 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू क्या 1, तो बीच में जो आएगा log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, 7, 8, 9 उन सब का वैल्यू क्या होगा, बिटवीन 0 टू 1 होगा, मतलब पॉइंट में रहेगा 0.1 या 0.2 या 0.3 या 0.5। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो तो 4 आ गया है और इसमें माइनस होगा पॉइंट में समथिंग, और तो इसका मतलब 4 से कम 1 माइनस होगा तब 3 होगा, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू जो है वो 3 और 4 के बीच में रहेगा, तो ऑप्शन में जो रहेगा 3 और 4 के बीच में आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब चारों के चारों ऑप्शन 3 और 4 के बीच में है तब आपको ये वैल्यू पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपको कैलकुलेशन करना ना पड़े ऐसा क्वेश्चन देते हैं ताकि आप अपना लॉजिक लगाओ, क्योंकि आपको 2 घंटे में 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तो एकदम एग्जैक्ट आपको आपको आंसर की वो एक्सपेक्टेशन नहीं करते, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालने जाएंगे तो क्या होगा, टाइम होगा, तो बस यही चेक करना चाहेगा 4 और 3 के बीच में आ रहे हैं तो एक ऑप्शन बस उसमें देगा, बाकी ऑप्शन क्या करेंगे ऐसे करेंगे, जिससे आपको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं, और आप दे रहे हो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया तो बड़ा कुछ नहीं, एक दो बार ऐसे सॉल्व किए रहोगे आपको पता रहेगा 1000 है मतलब 3 होता है और उसके साथ में 2 आ गया मतलब 0.5 आ गया, इस तरीके से, ठीक, थैंक यू सर।